गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने रोजगार को लेकर कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। खासकर उन्होंने ये दोहराया कि उनकी सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार रोजगार देने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात का उद्धरण किया कि राज्य सरकार निजी क्षेत्रों में 75% तक स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। साथ ही ऐसे नियमावली का निर्माण कराया जा रहा है, प्रावधान किया गया है ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने संबोधन में यहाँ तक कहा कि जो 12वीं पास जो छात्र हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग मिल सके, इसके लिए SCL कंपनी के साथ MOU किया गया है। साथ ही राज्य भर के निदेशालयों में जो भी निबंधित छात्र हैं उनको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए MOU किया गया है, कंपनियों के साथ बातचीत की गई है ताकि उनको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा सके। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार राज्यपाल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रही है कि रोजगार देने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, लेकिन जिस तरह से 2021 का वर्ष जो नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया वो ऐसे ही चला गया, उससे कहीं ना कहीं छात्रों में रोष है। उम्मीद की जानी चाहिए कि साल 2022 का जो वर्ष होगा वो नियुक्तियों से भरा होगा। राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के निजी क्षेत्र में स्थित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्योगों तथा CPP के तहत संचालन परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से वहां होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किए जाने हेतु राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020-21 लागू किया गया है। सरकार का यह प्रयास पलायन की समस्या को दूर करने में निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होगा।